इकानोडर्माटा। तो शुरू करते हैं इकानोडर्माटा, फाइलम इकानोडर्माटा में। सबसे पहले ये जो शब्द है इकानोडर्माटा, वो दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक है इकाइनोस, जिसका मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मा मतलब स्किन, मतलब स्पाइनी स्किन वाला एनिमल्स, या जिसपे क्लिंकर है ना, वो आपका काटा है स्किन में, वैसा एनिमल्स। इसमें इंडो स्केलेटन जो होता है वो कैल्केरियस होता है, और वो आपका छोटे छोटे बोन्स के रूप में होता है, कैल्केरियस ऑसिल्स के रूप में छोटे छोटे बोन के रूप में होता है, जो कि स्किन में इम्बेडेड होता है। इकानोडर्म्स जो होते हैं उसका जो स्किन होता है उसमें छोटा छोटा हड्डी नुमा रचना होता है, जिसको हम कैल्केरियस ऑसिल्स कह रहे हैं। ये आपके एंडोस्केलेटन के रूप में धसा होता है, और ये ऊपर से छूने पर या कांटा नुमा महसूस होता है। ये जो इकानोडर्माटा था, ये सब सबसे पहले जैकब क्लेन के द्वारा दिया गया। इसमें अभी वर्तमान में करीब 6000 स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड वाइड है। हैबिट एंड हैबिटेट का अगर बात करें, तो ये अकेला ऐसा एनिमल किंगडम है जिसके सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव मैरीन है, मतलब कोई भी एक्वेटिक में, कोई भी इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। ये इसके जो अधिकांश रिप्रेजेंटेटिव जो आपके मैरीन होते हैं, वो सामान्यतः बॉटम डेलर होते हैं, बहुत कम ही पेलाजिक होते हैं। पेलाजिक शायद आपको याद होगा, बॉटम डेलर का मतलब बताए थे जो पानी के तल पर रहने वाला हो, और पेलाजिक का मतलब होता है जो पानी में तैरने वाला हो। फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं इसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव से। शेप जो इसका होता है एनिमल्स का, वो वेरिएबल होता है, कुछ ओवल हो सकते, कुछ जो है ना वो आपका स्टार शेप भी हो सकते। इसका जो बॉडी होता है उसमें ओरल और एवोरल सर्फेसेस पाया जाता है। ओरल सर्फेस का मतलब होता है यहाँ पर है वेंट्रल सर्फेस या लोअर सर्फेस, और एवोरल सर्फेस का जो होता है जिसको कहते हैं वो अपर और डॉर्सल सर्फेस होता है। माउथ जो इसका होता है निचली सतह पर होता है या वेंट्रल सतह पर होता है, इसलिए उसको हम लोग ओरल सतह बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस को या लोअर सरफेस को। जबकि एनस जो होता है वो आपका डॉर्सल सरफेस पर होता है या अपर सरफेस पर होता है, इसलिए उसे हम लोग एवोरल सरफेस बोलते। सेगमेंटेशन जो होता है इसमें नहीं होता, एबसेंट होता है। सिमेट्री जो होता है वो आपका लार्वल कंडीशन में बायलैटरल सिमेट्री होता है, जबकि एडल्ट कंडीशन में इसमें रेडियल सिमेट्री होता है। मतलब ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसमें दो प्रकार के सिमेट्री उसके लाइफ साइकिल में नजर आते हैं। तो लाइफ साइकिल के जो लार्वल स्टेज है उसमें आपका कैसा होता है, बायलैटरल सिमेट्री, जबकि एडल्ट जब हो जाता है तो सिमेट्री उसका रेडियल सिमेट्री होता है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन तो आपको बताया कि एब्सेंट होता है, हेड इसमें नहीं होता, ये अनसिफलाइज्ड होता है। इसमें जंगल लेयर्स जो होते हैं क्लीन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी प्लान जो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट होता है या डेवलप्ड होता है डाइजेस्टिव ट्यूब या गट एलिमेंट्री कैनाल। सीलोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है और इंट्रोसिलस टाइप का होता है। प्लस इसमें जो सीलोम होता है वो सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा अलाइंड होता है, अर्थात सिलिएटेड पेरिटोनियम यहाँ पर होता है। सीलोम जो होता है वो चार चैम्बर में डिवाइडेड होता है, एक है पेरिडिसल सीलोम, एक पेरिहेलियल स्पेस के रूप में सिलोम, और दूसरा है आपका मतलब अगला है जेनाइटल साइनस और हाइड्रोसील, ये चौथा।
इसको कम से कम चार सील में हम लोग सिलोम के को बांटे जा सकते हैं। मतलब सिलोम जैसे जैसे ये डेवलप होता जाता है वो आपका डिवाइडेड होता जाता है और डिफ्रेंशिएट होता जाता है। शुरुआत में सिलोम जो होता है एक चैम्बर के रूप में होता है, लेकिन जब ये आगे बढ़ता है तो इसका सिलोम चार चैम्बर में बढ़ जाता है, जिसका नाम क्रमशः पेरिविसरल सिलोम या चैम्बर के रूप में, पेरिहिमल स्पेस के रूप में, जेनाइटल साइनस के रूप में, और चौथा है हाइड्रोसील के रूप में होता है। बॉडी फॉर्म जो होता है, अगर ओवॉइड का बात करें तो पेंटालेरस होता है। पेंटालेरस का मतलब पांच जो है ना वो आपका भाग में डिवाइडेड जैसा होता है, पांच आर्म जैसा नजर आता है। रेडियल सिमेट्री होता है, मतलब किसी भी प्लेन से इसको अगर हम बांटा जाए जो कि सेंटर से पार होता हो तो बॉडी बराबर भाग में बट सकता है। इसका जो बॉडी पार्ट्स होता है वो करीब करीब पांच एक्सिस में या मल्टीपल और पांच एक्सिस में अरेंज्ड होता है। इसका एक खासियत है, पेंटालेरस का मतलब है यहाँ पर कि जो भी इसका बॉडी पार्ट्स होगा या ऑर्गन्स होगा वो पांच या पांच के मल्टीपल में अरेंज होगा। इसका जो रेडिएटिंग एरिया है उसको एम्बुलेक्री कहते हैं, जबकि दो एम्बुलेक्री के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर रेडियल कहते हैं या इंट्रा एम्बुलेक्री कहते हैं। फिगर है, फिगर में मांगे तो वहां पर फिर इसको क्लियर कर लेंगे। हीमोसील जो होता है उसमें कई डेलिकेट ट्यूब लाइक आउटग्रोथ पाए जाते हैं जिसे ट्यूब फिट या पोडिया कहते हैं या एम्बुलेक्रल अपेंडेजेस कहते हैं। सी वाटर जो होता है इस पोडिया के अंदर या ट्यूब फीट के अंदर जाता है और वो आपका क्या करता है, इसको मूवमेंट में मदद करता है, वो इसको जो है वो आपका भोजन को पकड़ने में मदद करता है और लेने में अंदर मदद करता है, साथ ही साथ रिस्पायरेशन में भी जो है ना मदद करता है ट्यूब फीट। तो यहाँ पर ट्यूब फिट के बारे में बता रहे थे कि ट्यूब फिट जो होता है वो आपका फोड़िया के अंदर जाता है और उसमें एक छेद होता है जिसके थ्रू ये जाता है, जिसका नाम है मैड्रेपोराइट। मैड्रेपोराइट जो है ना वो आपका रचना है जिससे पानी जो है सो आपका वो अंदर एम्बुलेटरी सिस्टम में जाता है या वाटर वास्कुलर सिस्टम में जाता है कैवर्न ड्रम्स का। और वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है उसमें अगर आप रचना का बात करें, स्ट्रक्चर का बात करें, तो सबसे पहले आपका सीव प्लेट होता है जिसको मैड्रोपोराइट कहते हैं। वो चलने जैसा जो है ना छिद्रदार रचना होता है जिसको हम लोग सीव प्लेट या मैड्रोपोराइट कहते हैं। उससे जो है ना पानी अंदर जाता है स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में जाता है, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल में और अंततः ट्यूब फिट पर चला जाता है जो कि मूवमेंट शो करता है। और ये लोकोमोशन भोजन को पकड़ना या ट्रांसपोर्ट करना और रिस्पायरेशन का भी काम कर पाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ वास्कुलर सिस्टम का बात करते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम का। तो कम से कम वाटर वास्कुलर सिस्टम जो कि अभी हम देख रहे थे शुरू होता है मैड्रोपोराइट से और समाप्त होता है ट्यूब फीट पर, उसमें आपका तीन प्रमुख काम है। पहला वो लोकोमोशन में मदद करता है, इकोनोडर्म्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है, दूसरा भोजन के कैप्चर और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और तीसरा इसका काम है रिस्पायरेशन करना। इसका अपेंडिजेस का अगर बात करें तो ट्यूब फिट होता है जो कि लोकोमोशन में मदद करता है, और ट्यूब फिट का जो मूवमेंट होता है या गतिविधियां होती हैं वो वाटर वास्कुलर सिस्टम के कारण होता है, मतलब वाटर के सर्कुलेशन या मूवमेंट के कारण होता है। इसका जो बॉडी वॉल होता है वो सिंगल सिलेटेड एपिथेलियम का बना होता है जो कि एपिडर्मिस के रूप में होता है, और उसके नीचे एक थीक डर्मिस पाया जाता है जिसमें मेजोडर्मल कैल्केरियस इंडोस्केलेटन पाया जाता है, प्लेट के रूप में, स्पाइंस के रूप में या वायर के रूप में, उनको हम लोग कैल्केरियस ऑसिस भी कहते हैं। तो फिर से बोले बॉडी वॉल इसका दोनों में एक एपिडर्मिस है जिसपे सिलिया पाया जाता है और उसके नीचे एक थीक डर्मिस होता है जिसमें मेजोडर्मल ओरिजिन वाले कैल्केरियस ऑसिस पाए जाते हैं, छोटे छोटे बोन्स पाए जाते हैं किस रूप में, प्लेट के रूप में, स्पाइंस के रूप में और रॉड के रूप में।
इसमें इसके जो आपका सरफेस होता है स्किन का उस पर कुछ कैची नुमा या फिर पिंसर पाए जाते हैं। पिंसर शायद समझते होंगे, वो जो औजार होता है जिससे हम किसी चीज को पकड़कर जो है ना वो खींचते हैं, लोहा लोहा वाले, वो पिंसर है ना, पिंसर यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है पेनिसिलिन। ये सब में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है। और ये जो है स्किन पर पाया जाता है स्पाइंस के बीच में, इससे दो तीन काम होता है। एक तो कि ये बॉडी सरफेस को क्लीन रखने में मदद करता है, और दूसरा है डिफेंस में मदद करता है, मतलब दुश्मनों को काटने में या उसको चूहने में, मतलब उसको दर्द का अनुभव कराने में, उससे अपने आप को बचाने में इसको मदद मिलता है। थोड़ा सा हम अब आगे देखते वाटर वास्कुलर सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम है। दो तीन फिगर से देखना पड़ेगा, एक फिगर से पहले इसका देखते हैं। ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है उसमें आप देख रहे होंगे, एक तरफ जो है ना ऊपर में चलने जैसा कुछ है जिसको मैड्रियल पोराइट कहते हैं। मैड्रियल पोराइट जो है वो आपका उससे नमीनुमा रचना है जो नीचे आया है, और इससे इसी को स्टोन कैनाल कहते हैं, जो कि जाकर रिंग कैनाल के पहले आपका जुड़ जाता है रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल जो है वो पांच आर्म में होता है, पेंटागोनल जैसा है, पेंटागोनल है, सॉरी पेंटागोनल है, और उससे पांच आर्म्स बाहर निकलते हैं जिसको रिंग कैनाल कहते हैं। रिंग कैनाल जो है वो लेटरल कैनाल में जाके खत्म होता है, और लेटरल कैनाल जो है अंत तक ट्यूब फिट में या फुट में जाकर समाप्त हो जाता है। ये इसका सामान्य अगर बात करें तो आपका एक ट्यूब सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम का ये आपका हिस्सा है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक ट्यूब में तीन हिस्सा होता है, एक ऊपर में स्वयं हिस्सा जिसको एम्पुला कहते हैं, बीच का पोडियम कहलाता है जो आपका जुड़ा होता है लेटरल कैनाल से, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो सकल होता है। अब इसमें इस बात को लिखिए यहाँ पर कि परफोरेटिव होता है प्लेटलाइट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैड्रियोपोराइट कहते हैं। मैड्रियोपोराइट से ही वाटर क्या होता है अंदर प्रवेश करता है सिस्टम में। मैड्रियोपोराइट जो है ना वो आपका स्टोन कैनाल से ही जाता है, जो कि आपका रिंग कैनाल या पेंटामेरस जो आपका कैनाल है उसमें जाकर खुल जाता है। प्रत्येक एंगल पर वहां से रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल निकलता है जो कि आर्म में या बाह में जाता है उसका, और ये जो रेडियल कैनाल है उससे लेटरल कैनाल निकलता है जो कि जाकर ट्यूब फिट में या ट्यूब फुट में खत्म होता है। ट्यूब फिट जो होता है वो ट्यूब लाइक अपेंडिज होता है जिसमें आप जो दो डबल रो के रूप में सजा होता है, दोनों तरफ देख रहे होंगे कि जो आपका रेडियल कैनाल है उसके दोनों तरफ लेटरल कैनाल निकला हुआ है, और उस पर ट्यूब फिट आपका क्या है सजा हुआ है। ये जो ट्यूब फिट होता है उसका उसमें आपका निम्नलिखित रचना नजर आता है, पहला तो एम्पूला है, फिर बीच में पोडियम है, और सबसे नीचे में सकल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि चिपकने में मदद करता है। तो ये हम लोग वाटर वास्कुलर सिस्टम देख रहे थे इकोनोडर्म्स का। नेक्स्ट बात करते एक फिगर से इसको और थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। वो देखिए आपका मैड्रियोपोराइट्स है, मैड्रियोपोराइट्स में आपको आपका पोर्स पाया जाता है, ग्रुप्स होता है और उसमें पोर्स पाया जाता है, वो एम्पुला मैड्रियोपोराइट कैनाल उसे होते हुए अंत तक जो है सो अंदर जाता है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देख रहे होंगे टाइडमैंस बॉडी। ये टाइडमैंस बॉडी जो है ना, मैं उसी को दिखाने के लिए इस फिगर को हम फिर से इसको दिखा रहे थे। ये जो टाइडमैन आपका बॉडी है, टाइडमैन बॉडी रियली में आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फैगोसाइटिक जो है ना वो आपके फैगोसाइट्स पाए जाते हैं, और ये जो फैगोसाइट्स होते हैं वो आपका बैक्टीरिया को समाप्त करने में मदद करता है बॉडी को। तो ये आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम है इकानोडर्म्स का, जिसका हम अंदर से जो है ना कंकाल जैसा दिखाना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर, अंदर से जो है ना स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं बॉडी को अटैक किए। और आगे बढ़ते हम तो इसमें थोड़ा सा और क्लियर हुआ है। देखिए ग्रुप से दर्शाया है मैड्रियोपोराइट्स में, और उसी दशा में आपको पोर नजर आ रहा होगा,
समय कुआं है, झरना जैसा, जैसे झरना लगा होता है घर में, वो हम बाथरूम वगैरह में, उस टाइप का जो है पोर्च जैसा होता है इसमें, वो जो है लेके अंदर जाता है कूड़े के पूरे, तो सब केवल हम अलग फिगर से उसको क्लियर करने का कोशिश कर रहे थे। अब आगे जो स्किन होता है, स्किन पर स्पाइन्स होते हैं, कांटानुमा रचना होता है, और स्पाइन से जो है बगल में आप कैंची नुमा रचना देख रहे होंगे। हाँ, और कुछ हद तक जो आपका लोहा का बाजार में भी आता है पकड़ने के लिए, या पकड़ के ठोकने के लिए, कबाड़ने के लिए, काटी वगैरह के, उसको कह रहे हैं पेढ़ी सिलेरी। पेढ़ी सिलेरी जो है ना, वो आपका समानता 3 प्लेट का बना होता है, 2 आपका जा बनाते हैं उसमें दांत जैसा, और तीसरा जो होता है बेसिलर प्लेट बनाता है। तो ये 3 प्लेट आपस में मिलकर जो है वो आपका इसको बनाते हैं, इस रचना को, किसको, पेडी सिलेरी को, बेसलर प्लेट जार्ज वो मिलकर बनाते हैं, जो कि एक स्टॉक पर प्रेजेंट होता है, और ये आपका स्किन के ऊपरी सतह पर पाया जाता है इकैनोडर्म्स में। तो ये इकैनोडर्म्स का बात हम कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं। इसी स्ट्रक्चर को जो अभी देख रहे थे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते, तो आपका वो पिंसर बोल रहे थे, पिंसर कहते। नेक्स्ट है टिडमन बॉडी के बारे में। टिडमन बॉडी जो था अभी हम लोग देखे थे बीच में था, उसमें फैगोसाइट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। एमल्टी कैनाल जो इसका होता है कंप्लीट टाइप का होता है, स्ट्रेट होता है, क्वाइल्ड होता है, माउथ प्रेजेंट होता है ओरल सर्फेस पर, जबकि एनस होता है एवोरल सर्फेस पर, ऐसा पीछे हम लोग देख चुके थे। कुछ केसेस में माउथ जो होता है वो 5 हार्ड टीथ-लाइक स्ट्रक्चर से घिरा होता है, जिसको हम लोग मस्कुलेटरी एपरेटस कहते हैं, और ये आपका एस्ट्रोटल्स लैंटर्न में भी कहा जाता है, जो कि सी अर्चिन में कॉमनली देखा जा सकता है। एस्ट्रोटल लैंटर्न कॉमन है सी अर्चिन में। हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोटल लैंटर्न है क्या, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है ना आपका हार्ड टीथ होता है, जो कि आप जिसकी संख्या 5 होती है, और ये समानता वो आपका मैस्टिकेटिंग एपरेटस के रूप में काम करता है कुछ इकानोडर्म्स में, जैसे सीएससी। रिस्पायरेशन का अगर बात करें, तो रिस्पायरेशन जो है ना इसमें कई स्ट्रक्चर्स के मदद से होता है, जैसे ट्यूब फीट है, या डर्मल ब्रांची ब्रांची है। डर्मल ब्रांची का मतलब यहाँ पर है, ब्रांकी का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि गिल्स होता है जो कि स्किन से निकलता है, या फिर पैपली के मदद से होता है जो कि सिलोमिक प्रोट्यूबेंस से बनता है, या फिर कोरोनरी रिस्पायरेटरी ट्री से होता है। तो इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो कई स्ट्रक्चर्स के मदद से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर बात करें, तो काफी रिड्यूस्ड होता है इसका, ओपन टाइप का होता है, और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग हिमल सिस्टम और पेरी हिमल सिस्टम भी कहते हैं। वो काफी कम रिड्यूस्ड होता है, आपको बताया कहीं पे ये आपका बॉडी में एक साइड में थोड़ा बहुत पाया जाता है। बॉडी इसमें जो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स नहीं रखता है, अर्थात इसमें ब्लड जो है ना वो बहुत ज्यादा आपका अच्छा रूप में नहीं देखा जा सकता। ब्लड में रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कोई भी नहीं होता बॉडी में। हर्ट जो होता है वो आपका इसमें एबसेंट होता है। ऐसे हर्ट के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं पंपिंग वेसल्स, मतलब वैसा वेसल्स, ब्लड वेसल्स का हिस्सा जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, उसे कहते हैं पंपिंग वेसल्स, और वही आपका हर्ट है। और एस्किटी सिस्टम का बात अगर करें, तो एस्किटी सिस्टम इसमें एबसेंट होता है, या ये जो है इसको स्टार कर दीजिएगा एबसेंट को, ये अकेला आपका ऑर्गन्स है जिसमें एस्किटी सिस्टम नहीं होता है। नाइट्रोजनस एस्किटी वेस्ट जो होता है वो आपका, जैसे कि अमोनिया समानता है, वो आपका बॉडी सरफेस से क्या होता है बाहर निकलता है, हिमल सिस्टम में आता है, हिमल सिस्टम से फिर वो आपका पेरिहिमल सिस्टम में और सिलोमिक फ्लूइड में, और अंततः जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसमें जो एस्किटी सिस्टम होता है वो आपका बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, यहाँ पर एस्किटी सिस्टम के रूप में कोई आपका स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये अकेला एनिमल है मल्टी सेलर में जिसमें कोई एस्किटी सिस्टम नहीं होता। आगे बढ़ते, तो इसमें नर्वस सिस्टम का बात करते, नर्वस सिस्टम में यहाँ पर ब्रेन नहीं होता,
जो आपका नर्व होता है वो आपका नर्व के रूप में डिफ्यूज फॉर्म में पाया जाता है माउथ के चारों तरफ, रेडियल नर्व कहलाता है। सेंस ऑर्गन जो होते हैं इसमें सिंपल होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल टाइप का होता है, सेक्सेस जो इसमें होते हैं सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि मेल और फीमेल में अंतर नहीं पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो इसका होता है एक्सटर्नल टाइप का होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है, मतलब कि लार्वा इसमें बनता है, और लार्वा जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, जैसा कि हम लोग देखे डेवलपमेंट के मतलब जैसे ही अंडा से बाहर आता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लार्वा बोल रहे हैं। अर्थात इसमें इनडायरेक्ट होगा, और लार्वा जो होता है बायलैटरल सिमेट्री वाला फ्री स्विमिंग सिलिएटेड होता है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा होता है, और कई प्रकार का होता है। डायप्लूरा है, प्लूटियस है, ओफियो प्लूटियस है, इकाइनो प्लूटियस है, आर्किक्यूलेरिया है, बाइपेनेरिया है, ऐसे करके कुछ लार्वा प्रमुख है जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब लार्वा कई प्रकार के होता है इसमें। इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन और सेल्फ म्यूटिलेशन वेल डेवलप होता है, काफी अधिक विकसित होता है। पावर ऑफ रीजनरेशन तो पीछे भी हम लोग देखे थे, पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब होता है खुद को ठीक कर लेना। अगर जो कटछट हुआ, कहीं पे कट गया है, कहीं पे कोई जो है ना डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसको ठीक कर लेना, ये कराता है रीजनरेशन। और सेल्फ म्यूटिलेशन का मतलब होता है ऑटोटॉमी, इसका मतलब होता है कि कोई हिस्सा बॉडी का जो खराब हो गया हो या कोई समस्या हो गया हो तो उसको हटा देना, ठीक है, उसको हटा देना और उसके ऊपर नया बना लेना। जैसे आप म्यूटिलेशन का बात या ऑटोटॉमी का बात ऐसे भी समझ सकते हो, छिपकली में देखे होंगे कि छिपकलियां जब आपस में लड़ती हैं तो कोई कोई छिपकली जो थोड़ा कमजोर नजर आने लगती है लड़ाई में, उस जो है ना कंफ्लिक्ट में, तो क्या करती है अपने पूंछ को छोड़कर भाग जाती है, मतलब वो अपने पूंछ को तोड़ के वहां पर छोड़ के भाग जाती है। तो ये एक तरह का क्या कहलाएगा, सेल्फ म्यूटिलेशन कहलाएगा, मतलब अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडी के पार्ट को खो देना और फिर उसके ऊपर वो बना लेता है, तो इसमें सेल्फ म्यूटिलेशन पाया जाता है। या इवन ये अपने बांह को आर्म को छोड़ देता है, अगर दुश्मन से किसी से लड़ाई हो रहा हो या डैमेज हो गया हो तो क्या करता है, अपने बांह को काट के बॉडी से अलग कर देता है, मतलब बॉडी में से उसका बांह अलग हो जाता है और अपना फिर से वो अपने बॉडी को बना लेता है, कंप्लीट कर लेता है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स का बात करते हैं। पहला तो है कि इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है लार्वा में, और रेडियल सिमेट्री पाया जाता है एडल्ट में। तो इसके लाइफ साइकिल में दो प्रकार का सिमेट्री नजर आ रहा है, बायलैटरल सिमेट्री भी और रेडियल सिमेट्री भी। तो ऐसा वो अकेला एनिमल है जिसमें दोनों तरह की सिमेट्री नजर आती। प्लस इसका जो बॉडी सरफेस होता है वो आपका क्लियर कट अलग होता है एम्बुलेक्रल और इंट्रा एम्बुलेक्रल या इंटर एम्बुलेक्रल एरिया के रूप में। अभी आपको थोड़ा सा एम्बुलेक्रल हम पीछे नहीं बता पाए, थोड़ा देखते हैं आगे ना होगा तो फिगर में देख लेंगे या पीछे फिर लॉस के भी आ सकते हैं। देखिए एम्बुलेक्रल यहाँ पर नहीं बना पाए हैं इसलिए यहाँ पर हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, एम्बुलेक्रल जो है ना या इंटर एम्बुलेक्रल आगे दिखा देंगे हम। स्केलेटन जो होता है इसका कैल्केरियस प्लेट के रूप में होता है, मतलब कि बोन होता है, छोटे छोटे बोन के रूप में होता है। इसका जो लार्वल सिलोम होता है वो अंततः मॉडिफाइड होकर वाटर वास्कुलर सिस्टम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है इसमें पेनिसिलिन भी पाया जाता है कुछ केस में बॉडी सरफेस पर स्पाइन के बीच बीच में, जो कि आपका इसको डिफेंस में मदद करता है और बॉडी सरफेस को साफ रखने में मदद करता है। कुछ केसेस में एस्ट्रोटल लैंटर्न पाया जाता है जो उसको मैस्टिकेशन में मदद करता है, चबाने में, भोजन को काटने में मदद करता है। तो ये कुछ हम इसका यूनिक फीचर देख रहे थे। नेक्स्ट बात करते इसका, ये आपका कॉर्डेट के साथ सिमिलरिटी दिखाता है कुछ में। पहला ऐसे तो इसमें 5-7 पॉइंट्स हैं जिसमें कॉर्डेट के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, लेकिन उसका कुछ महत्वपूर्ण जो मेन बात है उसका बात करते। पहला तो कि इसमें ट्यूब बॉडी प्लांट होता है,
जो कि आपका ड्यूटेरोस्टोमिक इवोल्यूशनरी लाइन को बताता है। ड्यूटेरोस्टोमिक जो है ना, इसमें आपका डेवलपमेंट होता है। आपको शुरुआत में भी जब हम इसको शुरू किए थे पढ़ाने के लिए, तो उसमें भी बताए थे ड्यूटेरोस्टोमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, इसमें जो है ना ट्रू सिलोम पाया जाता है, जिसको हम लोग इंट्रो सिलोम कहते हैं। तो ये आपका कॉर्डेट का कैरेक्टर है और जो इकोनोडर्म्स में नजर आता है। साथ ही साथ इसमें मीजोडर्मल स्केलेटन पाया जाता है। हम आगे देखते हैं, अपने मनुष्य में देखते हैं या किसी और भी जो है ना कॉर्डेट्स में देखते हैं कि हम लोग में भी मीजोडर्मल स्केलेटन पाया जाता है, वो भी बोन के रूप में, कैल्केरियस प्लेट्स के रूप में या ऑसेस के रूप में। तो यहाँ पर जो है ना मीजोडर्मल स्केलेटन बनने लगा है, जो कि इसको ये बताता है कि कॉर्डेट के नजदीक है और अन्य वर्टिब्रेट की तुलना में ये ज्यादा नजदीक है कॉर्डेट्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ते, इसमें कुछ कॉमन उदाहरण है और उनका कॉमन नाम भी साथ में है। जैसे आपने बार बार स्टारफिश का नाम सुने होंगे, स्टारफिश किसको कहते हैं? एस्टेरिया को बोलते हैं या एस्ट्रोपैक्टिन को बोलते हैं, एस्ट्रोपैक्टिन पेक्टिन। इसी तरह से सी अर्चिन इकाइनस को बोलते, इकाइनोचियस को सी डॉलर बोलते। तो सबका नाम है, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। बीटल स्टार जो है ना, ओफियोरा को समानता बोलते हैं, ऐसे ओफियोथ्रिक्स को भी हम लोग क्या बोलते? बीटल स्टार ही बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग है, नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कॉमन नेम जो है ना, वो पूछता है बार बार की सी लीली जो है ना किसका रिप्रेजेंटेटिव है, किस किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव है। तो सी ककम्बर जो है प्लांटी में नहीं हो जाएगा, सी ककम्बर किस में हो जाएगा? एनिमल किंगडम में होगा। और फाइलम कौन होगा उसका? इकाइनोडर्म्स। तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सन स्टार जो है ना, वो आपका इकाइनोडर्म्स का उदाहरण है। तो ये सब किसको कौन सा है, किसका नाम है, वो अपना थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो ये सबको लिख कर अपने जो है ना ओथी पर साट लीजिएगा, जहां पढ़ते हैं आप सब, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे देखते देखते। इकाइनोडर्म्स जो होता है उसमें आपका कुछ और बात है। पहला तो ये था कि रिजर्वेशन इसमें काफी बढ़िया होता है और समय समय पर ये क्या करता है, अपने ऊपर के सतह को हटाता जाता है। प्लस अगर कोई बॉडी है का पार्ट है जो आपका डैमेज हो गया है, या किसी से अगर लड़ाई हो रहा है, दुश्मन को फंसाया के लिए ऑटोटॉमी करता है। इसमें आगे लिखे कि लीकिया जो है उसमें आर्म जो है ना वो अलग होकर पूरा का पूरा बॉडी बना सकते हैं। कितना बढ़िया रिजनरेशन का पावर होता है कि एक आर्म उसका बांह जो होता है वो अलग हो जाता है और पूरा का पूरा ऑर्गेन को बना सकता है या बना लेता है। इसमें जो लार्वल फॉर्म्स होता है, समानता वो डाइप्लूरिया है, और ये जो है ना हाइपोथेटिकल लार्वा कहलाता है। इसलिए सब जो भी आपका लार्वल है इस फॉर्म में, वो सब के सब डाइप्लूरिया से आया है। अगला है इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो आपका कॉर्डेट के साथ रखते हैं ज्यादा समानता, किसके तुलना में? नॉन कॉर्डेट की तुलना में। तो बाकी जो हम लोग फाइलम पढ़े थे उसके तुलना में ये ज्यादा नजदीक है किसके किसके? कॉर्डेट्स के। इसलिए ये सारा जो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट होता है मनुष्य पे करना, उसको इकाइनोडर्म्स पे ही कर लेते हैं पहले। अगला है लार्जेस्ट, अगर स्टार फिश का बात किया जाए तो कौन है? जैंडेरस। अगला स्मॉलेस्ट स्टारफिश वो मार्जिनास्टर कार्पेंसिस, ध्यान रखिएगा ये सर। अगला है इसका एक क्यूरेरियल ऑर्गन का बात है, वो आपका ये क्या करता है, इंटरनल करता है एनमी को स्टिकी थ्रेड के मदद से, और ये सी ककम्बर में पाया जाता है, क्यूवेरियन ऑर्गन। ठीक है, ये एनिमी के साथ इसको जो है ना मदद करता है लगने में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्माटा। इसको
इकाइनोडर्माटा का जो आपका है पांच क्लास पाया जाता है, दो सब किंगडम में भी, दो सब फाइलम में भी इसको बांटा जाता है, और उस दोनों सब फाइलम में एक में चार क्लास होता है और जो दूसरा सब फाइलम है उसमें एक क्लास होता है, मतलब पांच, टोटल पांच क्लास इसमें पाए जाते हैं। एक है एस्टेरॉइडिया जिसका बॉडी फ्लैटेंड होता है, स्टार शेप होता है, और इसलिए इसको कॉमनली हम लोग स्टार फिश भी कहते हैं। इसमें है जो रेडिएटिंग आर्म होता है जिसको एबडोमिनल कह रहे थे, वो आपका पांच होता है या पांच के ही आपका मल्टीपल में होता है। पेरिसिलेरिया जो है ना वो आपका प्रेजेंट होता है, कॉमनली इसको स्टार फिश कहते हैं, ये तो दिमाग में रखना चाहिए आपको। लार्वा जो होता है एमोलेक्युलर टाइप का होता है, स्टार फिश को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको स्टार करके, चूंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार फिश किसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसमें जो आपका लार्वा बनता है वो लार्वा आपका क्या होता है, जैसे ऑरिकुलेरिया है, बायप्रिनेरिया है या ब्रैकियोलेरिया है। इसका आप कॉमन उदाहरण है एस्टेडियास जिसको हम लोग स्टारफिश बोल रहे थे, या एस्ट्रोपेक्टिन, पेंटासिरस या लूसीडिया, ल्यूडिया, ल्यूडिया। अगला है ओफियोवाइडिया। ओफियोवाइडिया जो है उसका बॉडी जो होता है स्टार शेप होता है, लेकिन इसका आर्म सिलेंडर लाइक होता है, और इसमें पेडिसिलेरिया और एनस एब्सेंट होते हैं। जबकि हम लोग देख रहे थे कि जो एस्टेरॉइडिया था इसमें आपका पेडिसिलेरिया पाया जाता है। लार्वा जो होता है ओपियोक्लूटस टाइप का होता है, कॉमन नेम इसका है ब्रिटल स्टार, ठीक है, इसका कॉमन नेम है ब्रिटल स्टार। इसका एग्जांपल है ओफियो फ्यूर या ओफियोथ्रिक्स एस्ट्रोपोडा, ठीक है। आगे बात करते नेक्स्ट क्लास का, वो है इकाइनोडिया, जिसमें है बॉडी जो होता है फ्लैटेंड होता है, डिस्क लाइक होता है, ग्लोबुलर होता है, और कैसा होता है, हेमी स्फेरिकल होता है, और एक एक लेयर से ढका होता है जिसको टेस्ट या कोरोना कहते हैं। एक कवर से आपका ढका होता है। कोरोना का मतलब क्या है, अभी हम लोग बार बार बोल रहे कोरोना वायरस, तो कोरोना का मतलब होता है ऊपर से जो है ना वो एक कवर से ढका हुआ जिसमें प्रोट्यूबेंस या उभार पाया जाता है। इसमें आर्म्स एब्सेंट होते हैं, पेडिसिलेरिया जो होता है प्रेजेंट होता है, और अलग अलग प्रकार का होता है। इसका लार्वा होता है इकाइनो ल्यूटियस, इसका कॉमन नाम है सी अर्चिन। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एस्टोटल आपका लैंटर्न पाया जाता है टीथ के साथ साथ, मतलब टीथ अभी आपको बताए थे कि पांच जो है ना वो टीथ नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्या, एस्टोटल लैंटर्न। वो फैरिंग्स में पाया जाता है और उसको काटने में या थोड़ा छलाने में मदद करता है, इकाइनस इसका कॉमन उदाहरण है। अगला है होलोथुराइडी। होलोथुराइडिया जो है इसका बॉडी इलॉन्गेटेड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, माउथ जो होता है रिट्रैक्टाइल टेंटिकल से आपका सराउंडेड होता है। आर्म्स पेडिसिलेरिया और स्पाइंस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लार्वा जो है वो पाया जाता है ऑरिकुलेरिया के रूप में, और इसका कॉमन नाम है सी ककंबर। इसका एग्जांपल है ककमेरिया या कुकमेरिया, कॉमन उदाहरण है। अगला है क्रीमोइडिया। इसका जो बॉडी होता है फ्लैटेंड होता है, पेंटामेरस होता है, आर्म जो इसमें होता है वो आपका काफी ब्रांच होता है, करीब 10 आर्म्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें पेडिसिलेरिया और मेडियोपोराइट्स और स्पाइंस जो है ना वो तीन वो सब एब्सेंट होते हैं। इसका लार्वा है डेलियोलेरिया और इसको कॉमनली हम लोग सी लीज या फीडर स्टार्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है एंटीडॉन
जिसे हम लोग सी लिविंग भी कहते हैं। और इन सबों का जो पांचवा हम लोग देखे हैं, इसका अभी क्या करते हैं फिगर देख लेंगे। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इसमें किसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोइडिया को स्टारफिश, ठीक है, ओफियोवाइडिया को क्या बोलते हैं बीटल स्टार, इकानोइडिया को बोलते हैं सी अर्चिन, होलोथिरोइडिया को बोलते हैं सी ककंबर, जबकि क्रिनोइडिया को बोलते सी लिली या फीडर स्टार्स। तो ये कुछ हम लोग इसमें देख रहे थे क्लासिफिकेशन इकानोडर्माटा का। अब आगे बढ़ जाते, ये कुछ फिगर है सबका। जो पहला क्लास है उसमें हम लोग पढ़े थे स्टारफिश था उसका कॉमन नाम, और उसका ये फिगर है। अभी आप लोग को एम्बुलेक्रल और इंटर एम्बुलेक्रल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये जो आर्म है, ये आर्म वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं एम्बुलेक्रल, और उसमें जो ग्रूव होता है उसको एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। दोनों दो आर्म के बीच का जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इंटर एम्बुलेक्रल एरिया। तो इसमें अल्टरनेटली आप देख रहे होंगे एम्बुलेक्रल और इंटर एम्बुलेक्रल के रूप में ये सजा हुआ है। इसका ओरल व्यू मतलब जिस साइड में माउथ है उस तरफ से देख रहे हैं, वेंट्रल साइड से देख रहे हैं, और डॉर्सल साइड से जब देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। मैडे पुराइस के बारे में आपको बताया थे कि एक जो है ना वो आपका क्या था डिस्क नुमा रचना होता है जिससे पानी जो है ना अंदर प्रवेश करता है इसका वाटर कैनाल सिस्टम में। आर्म को ध्यान रखिएगा, आर्म है एम्बुलेक्रल है, और दो दो आर्म के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर एम्बुलेक्रल कहते हैं। तो ये आपको कुछ यहाँ पर नजर आ रहा था स्टारफिश के बारे में देखना चाह रहे थे हम ओरल व्यू और एवरल व्यू के रूप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये है बीटल स्टार जो कि सेकेंड आपका जो क्लास था उस क्लास का ये उदाहरण है। इसमें आप देख लीजिए इसका भी जो है ना ये भी आपका स्टारफिश के जैसा ही है, लेकिन इसका जो आर्म है वो आपका सिलिंड्रिकल कुछ हद तक नजर आ रहा होगा। और इसमें आप जो देख रहे होंगे स्टारफिश के रूप में तो बीच में सेंट्रल डिस्क आपको नजर आएगा, वहां पर सेंट्रल डिस्क नहीं था, बाकी सब करीब करीब जो है ना समान होता है जो हम लोग पीछे देखे भी। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्लास जिसको हम लोग बीटल स्टार कह रहे थे। थर्ड क्लास का बात कर लें तो तीसरा क्लास है आपका सी अर्चिन का। इसमें आप देख सकते हैं इंटर एम्बुलेक्रा साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको आर्म नजर नहीं आएंगे और ये साफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा उसका टीथ जो है ना टीथ जैसा स्ट्रक्चर है, ओरल टेंटिकल्स है, ट्यूब फीट है, स्पाइंस इसमें है कुछ। तो ये थर्ड आपका क्लास है सी अर्चिन का। फोर्थ जो क्लास है उसका बात अगर करें तो सी ककंबर का था। सी ककंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हद तक जो है ना खीरा जैसा नजर आता है, और यहाँ पर इंटर एम्बुलेक्रल एरिया साफ आपको दिखाया जा रहा है, आपको नजर आ जाएगा वहां पर जो आर्म जैसा जो होता है वो एम्बुलेक्रल एरिया हो जाएगा, और जो आपका बीच बीच में जो जगह होता है उसको इंटर एम्बुलेक्रल एरिया कहते हैं। ट्यूब फिट पाया जाता है किसमें, एम्बुलेक्रल एरिया में एनस होता है। और माउथ जो होता है ओरल टेंटिकल्स से आप देख रहे होंगे कुछ ओरल टेंटिकल्स हैं जो माउथ को ढके हुए हैं या घेर के रखे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। ये फोर्थ आपका जो क्लास था सी ककंबर का उसको देख रहे थे। ये जो फिफ्थ क्लास था उसका कॉमन गार्डन या कॉमन नेम सी लिली था। सी लिली में देख लीजिए ये आपका नीचे आपका एरोरल साइडी है, ठीक है, जो घेर के रखे हुए है उसको, एनस आपका अपोजिट तरफ हो गया, माउथ जो है ना ओरल सरफेस और एवरल सरफेस आपका है, एवरल सरफेस पर कर्ण होगा एनस होगा और ओरल सरफेस पर माउथ होगा, और इसमें पिनेकल्स पाया जाता है आर्म्स जो है ना उस पर पिनेकल्स पाए जाते हैं, एम्बुलेक्रल ग्रुप्स है वो, ठीक है। तो ये आपका सी लिली का स्थिति है। तो ये क्लास जो क्लास था
फिट जिसको हम लोग कॉमनली सीले भी कह रहे थे वो आपको यहाँ पर आया, या फीडर आपको स्टार भी कहते हैं, पंख स्टार भी कहते हैं। उसके बाद ये आपका इकानोडर्म्स करीब करीब समाप्त हो गया। इकानोडर्म्स में और कुछ नहीं है, लेकिन आप अपना किताब देख लीजिएगा, अगर किसी को कुछ पूछो